ग्रह नक्षत्र और राशियों का भूमिका हमारे जीवन में कैसे है, आज हम उसी की बात करेंगे। मान लीजिए किसी गोले कमरे के केंद्र में कोई प्रकाश स्रोत लाइक बल्ब स्थित है और कमरे में विभिन्न रंगों के 12 कांच के अलग अलग स्थान पर लगे हैं। कमरे के चारों ओर बाहर एक बरामदा है। इस बरामदे में 27 कांच लगे हैं, जिनमें कांच 1, 10 और 19 का रंग समान है। कांच 2, 11 और 20 के रंग भी समान है। इस तरीके से अगर देखें तो 1, 10 और 19 के रंग से भिन्न होगा 2, 11, 20 का रंग, क्योंकि जो 27 कांच लगे हुए हैं उसमें से 1, 10, 19 का रंग एक समान है और उससे अलग 2, 11 और 20 के रंग है। तो जब एक नंबर कांच में जो आप देख रहे होंगे और फिर दो नंबर कांच में अगर जाके देखेंगे तो आपको कलर अलग दिखेगा। तो इस तरीके से देखें तो इसी तरीके से 3, 12 और 21 का रंग भी अलग होगा और कांच के रंग अलग होंगे, तो उसमें जब लाइट को देखेंगे तो अलग ही प्रकाश दिखेगा। कुल मिलाकर के जो 9 भिन्न भिन्न रंग आपको दिखेंगे, 27 मींस की जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो 1 से 9 तक अलग कांच का रंग है और फिर 10 से 18 तक सेम कॉम्बिनेशन के कांच लगे हुए हैं, जो 1 से लेके 9 तक लगे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कांच लगे हुए हैं और फिर 10 से फिर उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट 18 तक लगे हुए हैं 9 और इस तरीके से तीसरे मूव में टोटल 27 गोलाकार कमरे के चारों तरफ से 2700 जो कांच लगे हुए हैं। प्रकाश एक ही टाइप का प्रकाश है, लाइट जो है सपोज आप ट्यूबलाइट जला रहे हैं तो प्रकाश एक ही टाइप का है, लेकिन आप जैसे जैसे कांच वाइज मूवमेंट करेंगे तो एक नंबर में जो लाइट है दो नंबर में अलग है, लेकिन एक नंबर का लाइट और जाकर के 10th नंबर का लाइट और 19 नंबर का लाइट सेम होंगे। तो ये ही हमारे नक्षत्र होते हैं। लाइट एक ही होता है लेकिन अलग अलग लाइट के कलर दिखते हैं। इसी कारण से केपी एस्ट्रोलॉजी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो सन के लाइट होता है लेकिन नक्षत्रों के अलग अलग नक्षत्रों के कारण उसके प्रभाव इफेक्ट चेंज हो जाते हैं और अलग अलग प्लैनेट जब अलग अलग नक्षत्रों में मूव करते हैं तो उस कारण से हमारे जीवन पे भी। तो इसीलिए नक्षत्रों का जो गणित है, हमारे प्रोफेसर कृष्णमूर्ति जी का जो सिस्टम है वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि जब हम एक राशि की बात करते हैं तो केवल एक लाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब नक्षत्र की बात करते हैं तो एक राशि में लगभग 2.25 मीन्स कि 2.25 नक्षत्र का इफेक्ट होता है। तो उस कारण से हम लगभग 2-3 नक्षत्रों का इफेक्ट, 2.25 नक्षत्र मतलब 2 नक्षत्र प्लस 1 नक्षत्र का एक चरण या 2 चरण या 3 चरण आपको मिलेंगे, तो उनके इफेक्ट अलग होंगे। मीन्स कि एक ही राशि में 3 अलग अलग नक्षत्रों का प्रभाव आपके दिखेगा। तो राशि ज्योतिष के अनुसार जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये राशि सिस्टम पे डिपेंडेंट है, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ही बारीकी नक्षत्रों पे आधारित है, जो कि ज़्यादा ही रिजल्ट लेकर के आता है। जैसे हमने कमरे का एक एग्जांपल के तौर पे समझा, क्योंकि कमरा को अगर अलग से देखें तो एक ही टाइप का लाइट जल रहा है, लेकिन जब हम अलग अलग कांच से गुजरते हैं तो अलग अलग लाइट दिख रही होती है, जबकि लाइट एक ही है। तो हमारे देखने के कारण उस कमरे का कलर बदलता हुआ दिखेगा, उसका व्यू चेंज होता हुआ रहेगा। तो उसी तरीके से हमारे लाइफ पे भी उनके नक्षत्रों के प्रभाव हमारे जीवन में उसी कलर उसी कांच के
लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण जैसा कलर चेंज होता है, हमारा सोचने का, देखने का, उसके विजनरी चीज़ें हैं, अलग व्यू हमें प्रतीक होते हैं, वैसे ही हमारे लाइफ में भी उनके व्यू और उनके प्रभाव चेंजेज होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। यहीं पे वीडियो को एंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।